सुबह से एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल है। ये तस्वीर है तेजस्वी यादव के जन्मदिन से जुड़ी हुई। दरअसल तेजस्वी यादव जब रांची से पटना लौट रहे थे तो एक चार्टर प्लेन के अंदर में तेजस्वी यादव ने अपने जन्मदिन का केक काटा। इस तस्वीर को लेकर के बीजेपी जेडीयू बेहद आक्रामक है, तो आरजेडी ने बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने इस पूरे बवाल पर क्या कुछ कहा है, सुनिए इस पूरे बयान में। तेजस्वी यादव के जन्मदिन का एक वीडियो, एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें वो प्लेन के अंदर में है और उसको लेकर के बीजेपी जेडीयू ने सवाल खड़ा किया है कि जो गरीबों की बात करता है उसका बेटा प्लेन में जन्मदिन मनाता है। बिल्कुल गलत है। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसको गांव के गरीब बुढ़वा ने बिहार की राजनीति का भविष्य के रूप में रेखांकित किया है, अगला मुख्यमंत्री के रूप में बजाबते हमारा जो पार्टी की ओर से उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो जयंती समारोह आयोजित था उसमें उपस्थित हुए और सैकड़ों कार्यकर्ता के सामने उन्होंने कार्यकर्ता से सिर्फ शुभकामना का पुष्पगुच्छ मतलब कि ग्रहण प्राप्त नहीं किए बल्कि केक काटे और केक काट करके अपने हाथ से हमारे कार्यकर्ता को उन्होंने खिलाने का काम किया। यह दूसरी बात है कि चूंकि आप जानते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव की खोज चारों तरफ हो रही है तो इस शाम में चूंकि उनको जाना था झारखंड में, हमारा क्या कहते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है, इसमें वहां के नेता का विशेष आग्रह था कि आप आइए, तो वे मतलब कि झारखंड रांची चले गए। उसी दौरान मतलब केक काटा भाई, भाई आप उसके दौरान नहीं, आप डोंट कंफ्यूज एंड डोंट ट्राई टू कंफ्यूज। आप हमने कहा ना कि करीब 500 कार्यकर्ताओं के समक्ष जो जयंती समारोह पार्टी की ओर से आयोजित किया गया उसमें वे सम्मिलित हुए और वहां पर उन्होंने केक काटने का काम किया और सभी कार्यकर्ताओं ने अपना कुछ क्या कहते हैं पुष्पगुच्छ भेंट कर करके उनको शुभकामना बधाई देने का काम किया और अपने हाथ से उन्होंने केक काटने के बाद वह केक का जो होता है वो बांटने का उन्होंने लोगों को सवाल खड़े उस प्लेन वाली तस्वीर में। प्लेन वाले नहीं, हम कह रहे हैं कि जो हमारा जयंती समारोह था उस जयंती समारोह में जन्मदिन समारोह जो उनका था उस समारोह में वो सम्मिलित हुए। बस चलिए ठीक।